आज आपका मौन व्रत है क्या? अरे बाप रे, ये कुर्बत कैसे? अच्छे लग रहे हैं ना? ये कुर्बत ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी है, एक आशिक दूसरी माशूका। सिर्फ मिस कॉल दे देना, बाय। चारू, नजर कहाँ है तुम्हारी? विनी की हरकतें अजीब लग रही हैं। बस वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज में डांस, फिर फोन पर। सॉरी, बेहतर है स्विच ऑफ कर देती हूँ। लेकिन पता कैसे चलेगा कि इन्होंने कितनी मर्तबा कॉल किया मुझे? वाइब्रेशन मोड पर डाल देती हूँ। विनीता, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आप खाना ला रही हैं या हम खाने के लिए बाहर चले जाएं? हाँ बस अभी लाई। आ गई। हाँ थोड़ा सा। बस। क्या हुआ बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, खाते क्यों नहीं हो? खा तो रहे हैं उस्ताद जी, लेकिन देख रहे हैं कि विनीता आज बहुत उछल कूद कर रही है। इतने बड़े हो गए लेकिन अक्कल नाम की चीज नहीं। खाना खाओ। कुछ ना कुछ तो उन्होंने छुपाया है, पूरे कमरे की तलाशी लेंगे तो ही पता चलेगा। अभी देखते हैं। अरे बाप रे, अच्छा तो वो सेलफोन था। बिल कैसे भरती होगी? 20 मिस कॉल्स, 25 मैसेजेस। बेहतर है, उन्हें पसंद करते हैं। आई एम सॉरी, लव यू अ लॉट। जब आप नाराज होते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ पर? इसने तो पूरा कब्जा कर लिया है, ये यहाँ पर आते हैं यहीं रहते हैं। खैर जो भी हो, अब फंस तो गए। तुम कॉल रिसीव नहीं करोगी तो ये करना पड़ेगा। अरे यहाँ क्या कर रहे, किसी ने देख लिया तो? अरे छोड़ो, कौन देख सकता है, एक चारू केशव के सिवा। देख सकता है नहीं, देख रहे हैं। अगर देख भी लिया तब भी कुछ बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये बताने से पहले उसे इस बात का जवाब देना होगा कि वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। अरे मैं तो फंस गया, फिर भी हिम्मत करके बताएंगे। और अगर उसने बता भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ दिन के लिए नाराजगी होगी और बाद में हमारी शादी हो जाएगी। तो फिर हम नहीं बताएंगे। हम ऐसे पकड़ेंगे तब भी नहीं बताएगा वो। नहीं बताएंगे। अगर हम ऐसे टच करेंगे ना तब भी नहीं बताएगा। नहीं बताएंगे। प्यार करेंगे तब भी नहीं। आप उसे शंकर अन्ना के बेटे से मिलकर एक मोटी रकम उसे दे दें, आपका काम हो जाएगा। आरो नाम, आपको जायदाद से मतलब है या हमारे नाम से? जायदाद से मतलब है। किट्टू भाई को पता चला तो मुश्किल हो जाएगा। कौन है ये किट्टू भाई, कौन है? हम किसी किट्टू भाई भाई से नहीं डरते। किट्टू भाई, किट्टू भाई, नहीं डर। के लेक्चरर को देखकर हौसला बुलंद हो गया ना? तूने एक पुलिस अफसर को मारा था ना, अब देखना एक पुलिस अफसर तुझे कैसे खत्म करता है। अरे कौन है तू? नाम ऋषि,
इंस्पेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो न्यू दिल्ली। महकमे ने एक नाम तजवीज करके भेजा है मिसाइल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनीता, क्या वजह क्यों नहीं दे रही? मौन व्रत है। ओहो। हाय हैंडसम, लुकिंग ग्रेट, शर्ट काफी सेक्सी है। ये डबल एक्शन किसी रोज बुरी तरह फंसाएगा। आज का मौजू है मुआफी। किन बादशाहों के लिए तारीख गवाह है कि उन्होंने मुआफी पर अमल किया था? कौन है वो? क्या हुआ है? कौन है जो अभी हंसा? अगर हंसना ही है तो बाहर जाकर हंसे, पूरी क्लास में क्यों खलल पैदा कर रहे हैं? चल यार चले, आपका जवाब नहीं है सर। क्यों भाई, कहाँ चल दिया? कह दिया तो उठकर चले जाओगे? चलो बैठो, बैठो अपनी जगह पे। क्लासरूम में मोबाइल बंद रखना है, कितनी मर्तबा समझाया आप लोगों को? अब तक क्यों बज रहा है फोन? आपका ही बज रहा है। अब जो समझाया उस पर गौर फरमाएं। गौर करें चलो। कॉल किस लिए किया? हम बहुत ऊब रहे हैं सर, चलिए ना कहीं बाहर चलते हैं। बाहर जाएं? अभी कैसे? बंक कर लेते हैं। बंक? कॉलेज बंक करना हमारी बचपन की ख्वाहिश थी। स्टूडेंट्स तो बंक कर सकते हैं, लेकिन लेक्चरर कैसे बंक करेंगे? अरे कुछ भी नहीं होगा सर, डोंट वरी। ठीक है, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कुछ सोचते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। यस। हमें एक शुबा है। हमें तो इसी पर शुबा है। एक्चुअली खैर जाने दीजिए, आपके स्टाफ रूम में आएंगे तो समझा दीजिएगा। सिर्फ हमारे लिए पूरी क्लास में खलल पैदा करना ठीक नहीं। आज ना क्लास में हम एनी डाउट कहेंगे, ठीक है ना? इससे पहले कि हम कुछ कहें, सॉरी सर हमारी वजह से सबको डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम स्टाफ रूम में आकर आपसे बात करते हैं, ऐसा तुम बोल देना। ओह माय गॉड, आपके मौन व्रत के चक्कर में हालत खराब हो गई है, जानती हो? उस लड़की को शुबा है तो आपको क्या परेशानी है? ओहो सर, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उस लड़की को कभी गौर से देखा है? कमाल है यहाँ, बिल्कुल हीरोइन लगती है। और खुद को देखा? गोभी का फूल दिखती हो फूल। हम लड़की हैं फिर भी हमारे दिल में अलग अलग ख्याल आते हैं। सोचो लड़कों की नजर पड़ती होगी तो क्या सोचते होंगे। आपने तो मौन व्रत रखा हुआ है और वो अटेंड करती रहती है, दोनों के दरमियान सरोते में रखी गई सुपारी जैसी हालत हो गई है। अब से चूल्हे में गया मौन व्रत कुछ नहीं होगा। ऋषि जी सुनिए, ऋषि जी ये हुई ना बात। विन्नी तुमने हमें ऋषि कहकर आवाज लगाई? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई विन्नी? अब से सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आज आपको हमें छोड़ना होगा आपकी बाइक पर। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? कौवा उठा कर ले गया, आपको इससे क्या? ओह रियली, आई लाइक दैट कौवा, एक्चुअली आई लव दैट कौवा। एक्सक्यूज मी ऋषि सर, आई एम वेटिंग इन द स्टाफ रूम। हमें थोड़ी कोई शुबा है, शुबा तो उन्हें है। तुम चलो ना आगे, हम उनका शुबा दूर करके आते हैं। ऋषि आपको पहले वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ नहीं। विनेता हमारी पैशन है, वैशाली हमारा प्रोफेशन है। पैशन और प्रोफेशन एक साथ नहीं चल सकते। जिंदगी का लुत्फ उठाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अभी आए वैशाली। कमिंग वैशु। रिस्क आपको नहीं हमें है। वैशु, वैशु, वैशु। Come in, ऋषि। अरे तुमने तो साफ रूम कहा था ना। अरे ओ, ओ, वैशु, वैशु, अरे कहाँ निकल जा रही हो? ए, वैशु, अरे रुको तो सही, बताओ कि कहाँ निकल जा रही हो?